सगाजनों, डी कोई थ्रू टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सेवा जोहार सगाजनों, कोया पुनेमी दर्शन के अनुसार हम सभी जीव एक अनंत ऊर्जा शक्ति के विस्तार हैं। जो कुछ उस महान ऊर्जा शक्ति में निहित है उसी का हम एक्सटेंशन है, उसी का हम विस्तार हैं। यह विचारधारा कोया पुनेमी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि कोया पुनेमी संस्कृति प्राकृतिक संस्कृति है जो प्रकृति पर आधारित है। कोया पुनेमी संस्कृति में सत्य पर आधारित मार्ग की बात होती है, यानी कि ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता जो कि सत्य पर आधारित हो। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि फड़ा पेन क्या है, बुढ़ाल पेन क्या है, गंगार पेन क्या है, सजोर पेन क्या है, इस तरह के बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि हम कैसे इस महान प्रकृति के एक छोटे से अंश हैं। पुकराल का एक वेन से क्या संबंध है? जब व्यक्ति पैदा होता है वह अपने को प्रकृति से कैसे जोड़ सकता है? तो आइए हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से इस बात को समझाते हैं कि जो पुकराल है ब्रह्मांड में और एक जीव है, उस ब्रह्मांड में उस जीव का क्या संबंध है। अगर हम ये देखें पूरा ब्रह्मांड जिसमें कि यह धरती या अन्य ग्रह सभी शामिल हैं, अंतरिक्ष है, हजारों आकाश गंगाएं हैं, पूरा सौर मंडल है, उसमें से यह पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो अगर हम इस पे जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करें और इसके संदर्भ में बात करें तो हमको जो कोया पुनेमी संस्कृति है उसमें 5 देवों की अवधारणा है, 5 देवों की मान्यता है जिसपे हम बात करते हैं। जैसे कि पंच महाभूत जिन्हें हम कहते हैं कि जिसको हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं, ये 5 तत्व जो हैं उनको कोया पुनेमी संस्कृति में 5 महाभूत या 5 संयुग पेन जो होते हैं उनकी बात की जाती है। तो पृथ्वी को भूटिया पेन कहते हैं, जल को उमोटिया पेन कहते हैं और अग्नि को अद्वितीया पेन कहते हैं, वायु को माटिया पेन और आकाश को अगाड़िया पेन। यानी कि ये 5 शक्तियों का अगर मिश्रण हो जाए, अगर इनको एक में कर दिया जाए, 5 शक्तियों की जो ताकत है, पावर है, ऊर्जा है, वो एक जगह सन्निहित हो जाए तो जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं फड़ापेन। फड़ापेन यानी कि इन 5 महाशक्तियों का समेकित रूप। फड़ापेन फड़ापेन ही है, इसकी कोई व्याख्या और नहीं की जा सकती है, इसका कोई पर्यायवाची नहीं बनाया जा सकता है। फड़ापेन यानी कि फड़ापेन, और ये फड़ापेन अनंत ऊर्जा का स्रोत है और यह अनंत ऊर्जा का स्रोत ही पूरे ब्रह्मांड में अन्य जीवों की ऊर्जा का स्रोत होता है, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी हो, इवन हम और आप हों, हम सभी में जो ऊर्जा है उसी अनंत ऊर्जा के स्रोत फड़ापेन से आती है। अब यह ऊर्जा उस फड़ापेन से हम तक कैसे पहुंचती है, इसके पीछे भी मैं आपको ले चलना जाऊंगा। जो फड़ापेन है इसका ध्रुवीकरण होता है और इस ध्रुवीकरण के माध्यम से 2 शक्तियां, एक धन शक्ति और एक ऋण शक्ति, जो ऊर्जा है 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला जो भाग होता है, पहला ध्रुवीकरण होता है, उसे हम ऋणात्मक ऊर्जा का पोलराइजेशन कहते हैं और दूसरा जो होता है वह धनात्मक ऊर्जा का पोलराइजेशन बोलते हैं। तो जो ऋणात्मक ऊर्जा का जो ध्रुवीकरण है उसे हम ऋण शक्ति, मात्र शक्ति, ऊनो, सल्लेर, दाई या अवाल शक्ति कहते हैं। और ऐसे ही हम धनात्मक ध्रुवीकरण को धन शक्ति, पितृ शक्ति, पूनो, गांगेर या दाऊ या बाबाल शक्ति कहते हैं। तो इन दोनों के मिलने से ही जीवा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कोया पुनेम में कहा जाता है कि
कि मावा वायना सल्लाह गागरा, यानी कि हमारे जीवन का जो आना हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वह सल्ला और गांगरा के मिलन से हुई है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक जीवा का पुंज, जीवा की ज्योति नहीं निकलेगी। तो आइए विस्तार से हम इस जीवा और उसके आगे की यात्रा को देखते हैं कि कैसे एक जीवा अपने बहुत सारे पुरखों दर पुरखों दर पुरखों, पीढ़ियों दर पीढ़ियों होता हुआ हम तक आया है। हम किस तरह से अपनी ऊर्जा को इस फड़ा पेन से सल्ला गागरा के होते हुए हम तक, जीवा तक वह ऊर्जा आती है। अगर हम देखें इसका उल्टा, अगर हम चलें, तो अगर हम जीवा से इस ऊर्जा का स्रोत को देखें, तो जीवा में इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला कि जीवा की ऊर्जा आती है कहां से? सल्ला गांगरा से। सल्ला गांगरा का किसका पार्ट है? सल्ला गांगरा जो है फड़ा पेन के पार्ट है। फड़ा पेन किसका हिस्सा है? इन पांच अगाटिया का, माटिया का, अद्वितिया का, उमोटिया का और भुटिया का। जैसे ही हम इनको आपस में जोड़ते हैं, या कह सकते हैं कि सल्ला और गांगरा हमारे और फड़ा पेन के बीच में एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह, एक माध्यम की तरह काम करते हैं। अगर हम अपने सल्ला गांगरा शक्तियों का हेत नहीं करते हैं, सब उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनका गोंगो नहीं करते हैं, तो बिना उनके सम्मान के, बिना उनके कृपा के हम फड़ा पेन शक्तियों को अर्जित नहीं कर सकते हैं। और जब फड़ा पेन शक्तियों को अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो हम ऊपर की जो हमारे पंच महाभूतों की शक्तियां हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, न तो उनको अपने जीवन में, अपनी सफलता में, अपने सुख दुख, अपनी संपन्नता में उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे फड़ा पेन की, और फड़ा पेन के बाद हम बात करते हैं बुढ़ाल पेन की। बुढ़ाल पेन के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। लोग बड़ा देव, महादेव, बड़ा पेन, फड़ा पेन और सब कुछ एक ही में मिक्स कर देते हैं, परसा पेन। तो आज हम बात करेंगे, आपने अभी जो बात की मैंने बड़ा देव की, जो प्रकृति शक्तियां हैं उनकी बात की, अब हम बात करते हैं अपने पुरखों की। बुढ़ाल पेन, बुढ़ाल पेन हम ऐसे हमारे पेन पट्टा होते हैं जो हमारे इस धरती पर सशरीर उपस्थित रहे हैं कभी न कभी। जैसे मान लीजिए यहां पर हम हैं और हम एक बेन जीवा के रूप में अभी हैं और आज हैं, आज के रूप में अभी यहां हैं, तो इसका मतलब हमारा जो आना हुआ है किससे हुआ? हमारी माँ और पिता के मिलन से हमारा आना हुआ है। तो हमारी माँ जो है, या हमारी, वो भी कहीं से आई है, और हमारे पिता हमारे दादा से, और ऐसे ही हमारी दादी कहीं से आई हैं, फिर दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, ऐसे ही कोई न कोई एक पूरी सीरीज चलते हुई, एक जो पितृ पक्ष है उधर से, जो पुरुषों का एक पक्ष आ रहा है उधर से, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी हमारे दादा हैं, दादा के दादा, 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 ऐसे ही पहला कोई पूर्वज होगा जहां से हमारी ये वंश चला होगा। इस वंश में जब भी कोई लड़का रहा होगा तो उसकी किसी दूसरे जगह से दूसरे वंश की शादी हुई होगी, तो एक दूसरा वंश तैयार होगा। तो ये जो पुरखे हैं, ये जो पेयर बने हैं, पुरखे हैं, ये जो बुढ़ाल पेन कहलाते हैं, जो हमारे पुरखे हैं, पुरखा शक्तियां। तो बुढ़ाल पेन ऐसे पेन शक्तियों का समूह है जिन पे हमारे मातृ और पितृ शक्तियों के ऊर्जा सन्निहित होती है, जिनमें हमारे वो शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों का एक समन्वय होता है, जिनको हमारे पिछली पीढ़ियों में जो सशरीर इस धरती पर रहे हों। तो बुढ़ाल पेन बिल्कुल अलग हैं फड़ा पेन से। बुढ़ाल पेन यानी कि हमारे पुरखे, पुरखा शक्तियों का जो
समूह है उसे हम बुढ़ालपेन थाना बोलते हैं। तो अब बुढ़ालपेन थाना में भी आप देखिए कि दो तरह की शक्तियां हैं। एक जो है जैसे मान लीजिए प्रथम जोड़ा है, तो उस प्रथम जोड़े में क्या है, एक पितृ शक्ति होगी और एक मातृ शक्ति होगी। अब यह मातृ और पितृ शक्ति का जो जोड़ा है यह अलग अलग ऊर्जा के केंद्रों में निहित होता है, और इसी ऊर्जा के केंद्रों को ही जब हम अपने पितृ शक्तियों के ऊर्जा के केंद्रों को बनाते हैं, पेनथाना बनाते हैं, अपने पेन कोली में रखते हैं, तो उनके बाबा दादा पुरखा जो हमारे हैं मेल या पुरुष जो शक्तियां हैं उनका जो समुच्चय है, उनका जो एकत्रीकरण है ऊर्जा का, वह कहलाता है गंगारपेन। और यह गंगारपेन आपके इनका थाना जो है रोन के अंदर होता है, यानी कि घर के अंदर होता है, और ये शक्तियां घर के अंदर इनकी इनका गोंगो होता है, ये चूंकि आपके पितृपक्ष शक्तियां हैं। वैसे ही जब भी हमारे पिता, हमारे दादा के दादा, दादा दादा, तो वैसे ही हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी परदादी, ऐसे जो हमारी दादियां पूर्वजों की मातृ शक्तियां आई रही होंगी, वो कहीं से आई रही होंगी, तो जब उनका भी, जब उनकी भी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद उनका भी एक जो बाहर से शक्तियां आई हैं, चूंकि ये हमारी मातृ शक्तियां हैं, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका भी एक थाना बनता है जिनमें इन सभी शक्तियों का समुच्चय होता है, सभी शक्तियों का उसमें रहती है, सभी जो ऋणात्मक शक्तियां हैं हमारी, चाहे हमारी दादी हो या परदादी हो, लक्कड़ दादी, जो कुछ भी दादी हमारी है पुरानी, जितने भी उनका जब भी मरेगी तो इस जो थाना बनेगा उस थाना को हम बोलते हैं सजोरपेन थाना। और आपको पता होगा कि सजोरपेन मतलब कि बहुत ही शक्तिशाली थाना होता है, ये मात्र शक्तियों का थाना होता है, और ये हमेशा आपके गांव के बाहर होता है, यह आपके गांव के बाहर होता है, ये गांव के बाहर होता इसलिए है कि हमारी ये शक्तियां जो है गांव के बाहर से आई हैं, और यह घर के अंदर होता है, घर के अंदर रोन में। तो यहां पर रोन में गंगारपेन होते हैं और गांव के बाहर सजोरपेन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सजोरपेन, तो बुढ़ालपेन कितने हो गए, बुढ़ालपेन हमारे दो तरह के हुए, एक सजोरपेन और एक हमारे गंगारपेन। तो आप समझ सकते हैं अब कि बुढ़ालपेन हमारी जो पुरखे सशरीर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं रही हों चाहे वो पुरुष रहे हों, जो भी हमारे पुरखे हमारी वंशावली में रहे होंगे, तो उनके पितृ शक्तियों का जो थाना होता है उसे हम गंगारपेन कहते हैं, और जो हमारी मातृ शक्तियों का थाना होता है उसे हम सजोरपेन कहते हैं। अब आप देखते होंगे जितने भी आपके थाने हैं, चाहे वो कहीं पर भी आप देख लीजिए, वो थाने क्या हैं, जितने भी बड़े बड़े आज ऐसे देवी स्थान हैं, चाहे वो बमलेश्वरी दाई का हो, दंतेश्वरी दाई का हो, सलकन देवी हो, कंकाली दाई का हो, ये जब बड़े बड़े थाने हैं, मैहर दाई का थाना हो, आपको जितने भी थाने मिलेंगे वो सभी क्या हैं, वो सजोरपेन थाना है। सजोरपेन थाना हमेशा हमारी मातृ शक्तियों के थाना होते हैं। जैसे कि भोपाल से दक्षिण में एक थाना है सलकनपुर, जो कि यहाँ पर सल्लाम वंश के राजाओं के मातृ शक्ति कुल देवी जिसे हम बोलते हैं, तो कुल देवी जो होती हैं उनके थाने को हम सजोरपेन थाना बोलते हैं, और इनका कुंडा मिलान जो होता है वो सजोरपेन में होता है। जब भी कोई हमारी स्त्री शक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो मृत्यु के पश्चात उसका जो पेन कारण होता है उसके दौरान इस पेन थाना में, सजोरपेन थाना में हमारी मातृ शक्तियों का कुंडा मिलाया जाता है, और जो पितृ शक्तियों का कुंडा है वो हमारे गंगारपेन में मिलाया जाता है। यह हमारी प्राचीन कोयापुनेमी संस्कृति है जो कि आज पूरी तरह से इधर उधर हो गई है। तो कुछ लोग यहाँ का पेन को गंगार मिला रहे हैं, सजोर पेन को गंगार में, गंगार पेन को सजोर पेन में, तो जो कुछ भी इसको समझ में आता है वो कहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बुढ़ालपेन हमारे जो थाना है वो दोनों थानाओं का सम्मिलित रूप नाम है बुढ़ालपेन, और उनमें जब अलग अलग, अगर पितृ शक्ति के थाने की बात करेंगे तो गंगार पेन होगा, और मातृ शक्ति के थाने की बात करेंगे तो वो सजोर पेन थाना होगा। अब इन दोनों के बाद हम देखते हैं जो वेन जीवा है, या हमारी जो मैं हूं आज यहां पर खड़ा हूं, या आप हैं, तो हम लोग जो आज के दिन हैं, तो हमारे जो पुरखे अगर हम इनसे नहीं जुड़ते हैं, और ये जो हमारे मातृ शक्ति या पितृ शक्ति है किससे जुड़े हैं, ये सल्ला गागरा से
जो फड़ा पेन की ऋणात्मक और धनात्मक शक्तियां हैं उससे भी मैं बताया था, उससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा आना और इस प्रकृति शक्ति में हमारा और प्रकृति शक्ति का क्या समन्वय है, और जब हमारा विलीनीकरण होता है तो हम उसी प्रकृति शक्ति में इन्हीं गंगार पेन और गुहाल पेन से होते हुए हम अपने उस फड़ा पेन में अपने को मिल जाते हैं। जहां से हमारा आना होता है उसी में फिर हमारा मिलन होता है। तो जो हमारा वेन और पेन का जो चक्र है वो इस तरह से चलता है, क्योंकि हम प्रकृति शक्तियों से होते हुए, फड़ा पेन से होते हुए, हम अपने जो सलगाग्रा के द्वारा होते हुए हम आज एक मानव के रूप में हैं, और जब इसकी मृत्यु होती है तो यह इसका भी अपने अपने तरह से उसी थानों में, जो गंगार पेन का थाना है, पुरुष है तो अपने गंगार पेन के द्वारा जो है बुढ़ाल पेन से होता हुआ जुड़ जाएगा, और जो महिला है जब कुंडा मिलेगा तो वह अपने मातृ शक्तियों के थ्रू वो मिल जाएगी अपने बुढ़ाल पेन से होते हुए अपने फड़ा पेन में। तो अंतोगत्वा सब लोग जाके फड़ा पेन में ही मिलते हैं, सबका गंतव्य एक ही है, जहां से हम निकलते हैं हम वापस वहीं पर मिल जाते हैं। तो यह ऊर्जा का जो चक्र है, यह ऊर्जा का जो चक्र है, जैसे गोंगों का चक्र जो है, यह साइकिल जो है वो चलती रहती है। हम फड़ा पेन से बुढ़ाल पेन, बुढ़ाल पेन से हम आज इस जीवा में, और इस वीर जीवा को हम जब खत्म होते हैं फिर हम बुढ़ाल पेन से होते हुए फिर हम फड़ा पेन मिल जाते हैं। तो यह चक्र चलता रहता है, यही जीवन मरण का खेल है। इस तरह से हमारे जीवन में कोई अपनी संस्कृति का कितना वैज्ञानिक और कितना तथ्यात्मक सामंजस्य बनाया गया है, कितना बेहतरीन मिजान बनाया गया है। अगर हम अपने मिजानों को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, तो यकीन मानिए यह आपको एक अलग तरह की ऊर्जा देगी, एक अलग तरह का सम्मान, एक अलग तरह का आपके अंदर उत्साह भरेगी, अपने समाज में सुख शांति समृद्धि के साथ विकास कर सकते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपका वेन विंडा बिडार सभी फड़ा पेन की कृपा से हमेशा हमेशा आनंदित रहेगा। तो इसी शब्दों के साथ आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः सेवा जोहार।